दोस्त कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 की एक पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन। इस पोयम का पोएट का नाम है वाल्ट हिटमैन। दोस्त, यह पोयम पोएट और रेन के बीच बातचीत को दिखाई गई है। इस पोयम के थ्रू रेन अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करती है कि कहाँ से वह आती है। दोस्त, इस पोयम को मैंने 3 स्टेंजास में डिवाइड किया हूँ, एक एक करके सबको देख लेंगे। तो दोस्त, अब हम अपना फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो इस स्टेंजा में पोएट धीरे से पड़ने वाली बारिश की बूंदों से पूछते हैं, तुम कौन हो? और पोएट को यह काफी अजीब लगता है कि रेन उसके सवाल का जवाब देती है जिसे वह अपने नेक्स्ट स्टेंजा में बताए हैं। यहाँ इस स्टेंजा में पोएट रेन को थोड़ा पर्सोनिफाई यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपना कल्पना को दिखा रहे हैं। दोस्त, रेन को देखकर पोएट को ऐसा लग रहा है कि रेन उनके क्वेश्चन का आंसर कर रही है। दोस्त, अब हम अपने सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। पोएट के अनुसार रेन कहती है कि वह अर्थ की पोयम है। रेन लगातार ही जमीन और गहरे गहरे समुद्र से ऊपर की ओर एवोपरेट हो रही है और उसे कोई देख नहीं सकता और ना ही कोई टच कर सकता है। यानी रेन ऊपर की ओर आसमान में जाती है, वह क्लाउड की शेप ले लेती है। उसकी अपनी शेप तो चेंज हो गई है लेकिन वह अंदर से तो सेम ही है ना। यानी कहने का मतलब है कि क्लाउड में भी वह वाटर वेपर के फॉर्म में ही है जिसे टच नहीं किया जा सकता। अब वह वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अर्थ पर आती है और अर्थ पर रेन के जैसा गिरती है और लंबी गर्मियों के बाद सूखे पड़े लैंड को धोती है और अर्थ की मिट्टी को गीला करती है और इन सीड्स को पानी देती है जो अभी अर्थ की मिट्टी में दबे हुए थे और छुपे हुए थे और उनमें कोई लाइफ नहीं थी। रेन उनमें पानी देती है जिससे वह सीड्स से लाइफ निकलती है। जहाँ से रेन का जन्म हुआ था अपनी उसी जगह से वह वापस पहुँच जाती है। यानी वह इवेपोरेट होकर आसमान में गई और फिर रेन का फॉर्म में वापस धरती पर आ गई। रेन इस धरती को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती है। यानी दोस्त, इस स्टेंजा के लास्ट में पोएट कह रहे हैं कि दिन रात बारिश करके रेन उस लैंड सीज और रिवर्स के द्वारा लाइफ प्रोवाइड करती है क्योंकि वह वहीं से निकलती थी और वह वहीं से ओरिजिनेट हुई थी। दोस्त, अब अपने थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। थर्ड स्टेंजा की लाइंस रेन और पोएट के बीच बातचीत का पार्ट नहीं है, यह पोएट की जनरल ऑब्जर्वेशन है। पोएट कहते हैं कि जब कोई म्यूजिशियन अपना सॉन्ग गाता है तब यह वर्ल्ड फेमस हो जाता है। लोग उसे पसंद करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस होता सिर्फ यही है कि एक सॉन्ग जो सिंगर से ओरिजिनेट होता है और पूरी दुनिया से उसे सुनती है, लेकिन एक दिन यह सॉन्ग सिंगर के पास वापस आ जाती है प्रेम, प्रशंसा और तारीफ के रूप में। यानी यहाँ पर पोएट रेन को सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं कि रेन एक सॉन्ग की तरह है। जैसे सॉन्ग सिंगर की हर्ट से ओरिजिनेट होता है, पूरी दुनिया में घूमता है और फिर लास्ट में सिंगर के पास वापस आ जाता है, वैसे ही रेन है। रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसे काम को पसंद करे या फिर उसका काम को कोई पसंद ना करे, वह अपना काम को करके घर वापस आ जाती है। यानी जहाँ से वह ओरिजिनेट हुई है वहीं पर वह वापस आ जाती है। तो दोस्त, यहाँ पर हमारा पोयम खत्म हो गया है। पोयम अच्छा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।